ऋतिक कंगना विवाद पर फरहान अख्तर ने जारी किया ओपन लेटर, कहा यह टीआरपी के लिए भी हो सकता है। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच चले रहे विवादों के बारे में आज हर कोई जानता है। कंगना भी बड़ी बेबाकी से इस विवाद पर अपनी राय रख रही हैं और हाल ही में ऋतिक ने भी इस बारे में खुलकर बात करते हुए अपना स्टेटमेंट जारी किया था। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं मगर सच क्या है यह अब तक सामने नहीं आया है। ऐसे में अभिनेता फरहान अख्तर ने भी एक ओपन लेटर जारी किया है। फरहान ने यह ओपन लेटर लिखते हुए ऋतिक और कंगना दोनों का ही नाम नहीं लिया है मगर लेटर में उन्होंने ऋतिक और कंगना के विवादों के बारे में बात करते हुए कहा कि बहुत से लोग बिना कुछ सोचे समझे सही और गलत का फैसला कर रहे हैं। फरहान ने लेटर में यह भी लिखा कि किसी का भी कुछ कहना दूसरे इंसान के घर परिवार और उनके बच्चों पर गहरा असर डाल सकता है। शायद यह सब टी आर फरहान ने लिखा। उन्होंने कंगना कहा है कि वो 7 सालों तक उनके ऋतिक साथ रिलेशनशिप में थी और इस बीच उनके बीच बहुत से ईमेल्स एक्सचेंज हुए। इसकी ऑफिशियल कंप्लेंट भी हुई और उन्होंने ऋतिक अपने सभी जरूरती डॉक्यूमेंट फोन लैपटॉप उन्होंने साइबर क्राइम को दिए। मगर दूसरी तरफ कंगना से कोई डॉक्यूमेंट और पर्सनल कम्युनिकेशन डिवाइस साइबर क्राइम में जमा नहीं हुए। उन्होंने कंगना कुछ तस्वीरें भी सामने लाई जो असल में एक ग्रुप पिक्चर थी जिसमें उनकी ऋतिक वाइफ भी शामिल थी जो अब एक्स वाइफ हैं। अगर वो कंगना सही हैं तो उन्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है। यही नहीं फरहान ने लोगों से यह भी कहा कि प्लीज भेदभाव ना करें। यहाँ पढ़िए फरहान का पूरा ओपन लेटर पी के लिए हो रहा हो।